अच्छे वक्त का गुरूर है, चलो अच्छी बात है संभलना सुना है बेवफाई कुछ गहरा असर छोड़ जाती नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और बृहस्पति के पुनः एक बार 136 दिन के लिए मकर राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में अब मैं असली पिक्चर बताने वाला हूं एक बार ट्रेलर आप 29 मार्च से लगा करके 30 जून तक देख चुके हैं यानी कि बृहस्पति फिर से एक बार अपनी नीच राशि में प्रवेश करके शनि से युति बनाएंगे एक बार फिर से राहु की दृष्टि में आ जाएंगे क्या आप धर्म अर्थ काम और मोक्ष या चार प्रकार के सुख प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि बृहस्पति फर्स्ट फिफ्थ नाइन्थ और टेंथ भावों के अतः चार भावों के कारक ग्रह हैं इन चार भावों में स्थित बृहस्पति आपको धर्म अर्थ काम और मोक्ष या चार प्रकार के सुख प्रदान कर रहे बृहस्पति आपकी भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा तक एक्सट्रीम पर पहुंचा देते जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बृहस्पति देव का अधिकार है जैसे शिक्षा विवाह संतान धर्म धन परोपकार जीवन इनके पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति बेशक भाग्यशाली होगा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के श्लोक में वर्णित है कि ब्रह्मा ने कष्ट और दुख के भवसागर को पार करने के लिए बृहस्पति और शुक्र नामक दो पतवार बनाए दो चप्पू बनाए इनकी सहायता से व्यक्ति दो स्वरूपी समंदर को पार करके दूसरे किनारे तक पहुंच सकता है जहां शुभ कर्म है अतः सात्विक गुणों के प्रदाता बृहस्पति देव ही है मधुमेह अथा डायबिटीज का सीधा संबंध कुंडली के बृहस्पति से माना जाता है पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार गुरु की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है तथा पापों का नाश कर सकती है कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के तो मकर राशि में नीच राशि के माने जाते हैं यह धनु और मीन राशि के स्वामी है सूर्य चन्मा और मंगल के साथ में बृहस्पति की मित्रता है तो शुक्र और बुद्ध के साथ में शत्रुवत संबंध रखते हैं राहु केतु और शनि के साथ में इनका तटस्थ अथा न्यूट्रल संबंध है राशि लग्न अर्थात चंद्र लग्न से दूसरे पांचवें सातवें नौवें और ग्यारहवें जो लोग हिंदी कम समझ पाते हैं सेकंड फिफ्थ सेवंथ नाइन्थ और इलेवंथ हाउस में जब जब भी गोचर वश बृहस्पति आएंगे हमेशा पॉजिटिव फल प्रदान करेंगे बाकी भावों में उनका फल सामान्य या शुभ होगा बृहस्पति की राशि परिवर्तन से वृष राशि कर्क राशि कन्या राशि धनु राशि और मीन राशि के लोग विशेष लाभ में रहेंगे प्रभावित रहेंगे बृहस्पति के मकर राशि में प्रवेश करने पर वृष राशि को पंचम दृष्टि से और कर्क राशि को सप्तम दृष्टि से कन्या राशि को नवम दृष्टि से देखेंगे या दृष्टि डालेंगे बृहस्पति देव जहां जहां भी दृष्टिपात करते हैं वहां वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते हैं 20 नवंबर 2020 को बृहस्पति एक बार फिर से उत्तरा साढ़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे अर्थात मकर राशि में प्रवेश करेंगे उत्तरा नक्षत्र का स्वामी सूर्य है इस नक्षत्र के द्वितीय चरण के स्वामी शनि है सत्रह जनवरी दो हजार इक्कीस को बृहस्पति अस्त भी हो जाएंगे बृहस्पति गोचर में अस्त होते हैं तब अशुभ परिणाम देते हैं अस्त बृहस्पति के समय तो मुहूर्त भी नहीं निकाले जाते फिर तेरह फरवरी दो हजार इक्कीस को बृहस्पति देव फिर से उदय हो जाएंगे फिर छह अप्रैल दो हजार इक्कीस को अपनी नीच राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा आइए इस राशि राशिफल के माध्यम से नजर डालते हैं उन प्रभावों पर आइए अब बात करते हैं आप मकर राशि वाले लोगों को बृहस्पति आपकी राशि में ही आ जाने से क्या फल मिलेगा क्या प्रभाव होगा और बृहस्पति जिस जिस भाव पर दृष्टि डालेंगे वहां पर शुभ प्रभाव होता है ऐसी स्थिति में वो शुभ प्रभाव आपको क्या मिलेगा यही सब कुछ मैं आपको इस एपिसोड में डिटेल से बताने वाला हूं जो आपने कभी जाना नहीं होगा सुना नहीं होगा आपकी राशि में ही बृहस्पति का प्रवेश नीच राशि में होगा जो कि सामान्य फल देगा बृहस्पति के दूसरी बार इस परिवर्तन से शिक्षा और संतान भाव सप्तम भाव अर्थात सबसे पहले शिक्षा और संतान भाव इसका मतलब फिफ्थ हाउस सप्तम भाव इसका मतलब जो आपकी मैरिड लाइफ है उस भाव पर और साथ ही साथ नाइन्थ हाउस पर भाग्य भाव पर दस्ती रहेगी इससे अब शरीर में कमजोरी बढ़ेगी और खर्च करने में कुछ परेशानी आने लगेगी फाइनेंशियली क्रंच महसूस होगा अच्छा कमाने के बावजूद खर्चों के समय पैसे की तंगी का असर देखने को मिलेगा लोगों से संबंध कमजोर होने लगेंगे तथा भाई बहनों के सुख में भी कुछ कमी आने लगेगी और इससे आप कष्ट में आ सकते हैं चाहे वो कष्ट शारीरिक हो या आर्थिक हो इस समय काम धंधे में काम काज में मेहनत कुछ कम करने की इच्छा होगी बृहस्पति के इस गोचर में पैसा इकट्ठा करने में तो आप सफल होंगे लेकिन इन्वेस्टमेंट में लापरवाही की वजह से नुकसान होने की धोखा खाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है रुपए पैसे से जुड़े लेन देन के मामलों में बहुत होशियार रहना होगा अब बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टियों की सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की पांचवी दृष्टि की नीचस्थ बृहस्पति स्वयं द्वादशेष और थर्ड हाउस का स्वामी होकर के द्वादश स्थान के अधिपति और थर्ड हाउस के अधिपति होकर के अपनी पांचवी दस्ती से फिफ्थ हाउस को देखेंगे इसलिए एजुकेशन में स्ट्रगल का अनसेटिस्फेक्शन का दुविधा का या कुछ न कुछ प्रॉब्लम का तनाव का सामना करना पड़ेगा या आभास मिलेगा परंतु बुद्धि और विवेक का साथ भरपूर मिलेगा जिसके चलते कुछ क्रिएटिव कामों में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या फिर यो कहूं कि क्रिएटिव सॉल्यूशन जल्दी ढूंढ पाएंगे इस समय आप उस टारगेट को भी हासिल कर लेंगे जो बहुत समय से काफी दूर था इस समय संतान पक्ष भी कुछ चिंता सी बनी रहेगी बृहस्पति का यह गोचर कई महीनों में तो बहुत शानदार रहेगा अब बात करते हैं बृहस्पति की सप्तम दस्ती की सातवीं दृष्टि से नीचस्थ बृहस्पति उच्च की राशि कर को देखेंगे अतः सेवंथ हाउस पर दस्ती रहेगी इसलिए सुंदरता की या आकर्षण में वृद्धि होगी और काम काज में जॉब या प्रोफेशन में मेहनत से अच्छी प्रोग्रेस कर पाएंगे और अपना प्रभाव कायम कर पाएंगे वैवाहिक जीवन में साथी की समझदारी आपको हिम्मत देगी भरोसा देगी और उनसे नजदीकियां बढ़ेगी और अपनत्व में भी स्नेह में भी वृद्धि होगी हेल्थ इस समय अच्छी रहेगी और मेंटली आप खुद को स्ट्रॉन्ग पाएंगे आइए अब बात करते हैं बृहस्पति की नाइन्थ दस्ती की नवम दस्ती की नवमी दस्ती से नीचस्थ बृहस्पति भाग्य भाव पर दृष्टिपात करेंगे इससे भाग्य और धर्म आस्था की राह में कुछ उतार चढ़ाव चलते रहेंगे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में इस समय आप भाग्य आपका साथ देगा लेकिन आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना पड़ेगा नहीं तो बेवजह के विवाद आपको कानूनी दायरे में घसीट सकते आइए अब बात करते हैं उपायों की अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं वो आपको जरूर करने चाहिए यदि आप बृहस्पति के दुष्प्रभावों से राहत चाहते हैं तो ये आसान उपाय जो कि आप आसानी से घर बैठे कर सकते हैं बहुत से उपाय हैं जो आपको मंत्र जाप करने होंगे या दान देना होगा वो सब आराम से जान लीजिए नोट कर लीजिए ताकि आप 136 दिन तक ये उपाय कर सके सबसे पहले आपको दस अवतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए अथवा लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं यह बृहस्पति से संबंधित ही कवच है बृहस्पति ग्रह के यंत्र की अंगूठी बना करके के धारण कर सकते हैं कोई भी अंगुली में या जो पैंडल पहनना चाहते हैं वो बृहस्पति ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज या गोल्डन टोपा जिसको सुनला बोला जाता है वो जड़वा करके धारण कर सकते हैं एक होता है प्रीसिस स्टोन और एक होता है सेमी प्रिशिस एक होता है रत्न एक होता है उपरत्न जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है जो आपका सामर्थ्य है उस ढंग से आप पहन सकते हैं बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में रखें जहां पर आप सोते हैं साइड टेबल पर रखना है इससे माइंड बॉडी और सोल ये तीन चीज ट्यूनप होगी हर ग्रह जब भी चेंज होता है सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करता है और बुद्धि के बाद में शरीर पर उसका असर होता है यदि नवग्रह दोष निवारण ही होते रहेंगे तो आपके शरीर पर आपके दिमाग पर उनका प्रभाव नहीं होगा और पिरामिड का मतलब है पॉजिटिव एनर्जी लेकर के स्प्रेड करना और यहां पे नेगेटिव चीजों को सोख लेना तो ये पिरामिड आपको हर ग्रह के जो भी दूषित प्रभाव होंगे उनसे रक्षा भी करेगा और साथ साथ जो नेगेटिविटी है उसको सोख भी लेगा इससे अच्छी क्या चीज चाहिए पारद विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मनी मन उच्चारण करें जो रत्न पहन सकते हैं वो पुखराज पहने और जिनको पुखराज पहनने की सामर्थ्य नहीं है या बहुत ज्यादा महंगा है इस समय नहीं पहन सकते तो एक बार गोल्डन टोपास पहन करके ट्राई करें यदि उसका प्रभाव आपको अच्छा लगता है सही लगता है उसके पहनने से आपको राहत मिलती है तो फिर पुखराज पहन लीजिए बृहस्पतिवार के दिन गाय को गुड़ या केला खिलाना है बृहस्पति और केला या चने की दाल इन पीली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं जो भारत में रहते हैं गांव में रहते हैं उनके लिए जो उपाय संभव है लेकिन जो यूके में रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं यूएसए में रहते हैं उनके लिए उपाय संभव नहीं है इसलिए आप मंत्र जाप करने वाला सिद्धांत काम में लीजिए अब इन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र जो आपको ईजी लगे जो आपको बोलने में उच्चारण करने में ईजी है वो आपको जाप करना चाहिए बहुत से लोगों का प्रश्न होता है हम मंत्र जो भी जाप करें बोल बोल करके जाप करना है या शांति से जाप करना है तो जब आप कोई शब्द बोलेंगे तो उसका वाइब्रेशन होगा और वो वाइब्रेशन आपको महसूस होगा अपनी बॉडी के अंदर इसलिए आपको मंत्र बोलना चाहिए लेकिन इतना धीरे बोलना चाहिए कि आपके कान उस मंत्र को सुन पाए ऐसा नहीं मंत्र जोर जोर से बोल करके आपको आस पड़ोस में बताना है मंत्र सिर्फ उच्चारण करना है और वो कितना उच्चारण कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है तो बृहस्पति का एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पत नमः बृहस्पति का बीज मंत्र है वो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरे नमः स का मतलब सह है एक बार फिर वापस बोल देता हूं ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरे नमः इस ढंग से मंत्र का जाप करना है जितना समय मिलता है उतना मंत्र का जाप कीजिए जितना ज्यादा करेंगे उतनी राहत मिलेंगी और जब अपने कल्याण के लिए ही तो क्यों गिनने का काम करना है जब ईश्वर आपको बिना गिने ही सब कुछ दे रहा है तब ऐसी स्थिति में उनका नाम जपने में आप क्यों संख्या का ध्यान रखें इसलिए जितना आपकी इच्छा करती है जितना समय मिलता है उतना मंत्र जाप कीजिए यह तो था बृहस्पति का राशिफल और यह राशिफल जनरल है आपके अपने लिए नहीं है बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आपने जो बतलाया मेरे ऊपर उसका असर नहीं हुआ या उसका उल्टा असर हो गया तो भाई मैं आपकी कुंडली देख करके नहीं बता रहा हूं मैं जनरल चीज बता रहा हूं आपके ऊपर इसका कैसा असर होगा यह आपकी कुंडली पर डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में बृहस्पति कितने डिग्री का है कौन सी राशि में कौन से ग्रहों के प्रभाव में है और आपकी नवांश कुंडली में उसकी स्थिति क्या है कौन कौन से ग्रह उसको देख करके प्रभावित कर रहे हैं पीड़ित कर रहे हैं या उसको स्टेबल बना रहे हैं और कौन सी दशा चल रही है यह सब कुछ आपकी कुंडली ही बतला सकती है ऐसी स्थिति में आपको अपने बारे में यदि ज्यादा जानना है बृहस्पति का राशि पतन आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर क्या असर दिखलाने वाला है यह मैं आपकी कुंडली देखकर ही बता सकता हूं और इसके लिए आपको एक टाइम स्लॉट बुक करना है अर्थात अपॉइंटमेंट फिक्स करना है और उसके बाद में मैं और आप फोन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली पर ही बात करेंगे जो भी आपकी समस्याएं होंगी उन समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी उपाय होंगे वो उपाय मैं आपको बताऊंगा यदि उपाय जरूरी हुए तो उपाय बतलाऊंगा और यदि उपाय जरूरी नहीं हुए तो कोई आवश्यकता नहीं उपाय करने की लेकिन उपाय आपको पूरी कुंडली के जो होंगे वो बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी उपाय या अभी ये एक महीना ये कर दीजिए उसके बाद में फिर बात करेंगे वो बात नहीं है जो उपाय मैं बतलाऊंगा वो आपकी पूरी कुंडली के और आगे आने वाले पांच दस साल के बाद में हम बात करेंगे कि टोटल हम आने वाले पांच सात साल या दस साल के बारे में क्या उपाय कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में आप भी अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करा सकते हैं जान सकते हैं क्योंकि जो व्यक्ति बड़ा काम करना चाहता है आने वाले समय में झांकना चाहता है अपने कैरियर का ग्रोथ चाहता है जिसके पास नौकरी नहीं वो नौकरी चाहेगा जिसका बिजनेस सही नहीं चल रहा है वो बिजनेस के बारे में बात करेगा तो जो भी आपका कैरियर है उसके बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि बृहस्पति हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करते हैं बृहस्पति ग्रह सुख संतान सुख मेंटल स्ट्रेंथ फाइनेंस धन और संपत्ति और साथ ही साथ भाग्य इन सब के बारे में जाना जा सकता है सिर्फ एक बृहस्पति के माध्यम से तो बृहस्पति जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं नीच राशि में जा रहे हैं उसका बहुत सी राशियों पर नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा तो कुछ राशियों पर पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा ऐसी स्थिति में आप अपनी कुंडली के द्वारा जान सकते हैं अपना आने वाला कल आज इस एपिसोड में बस इतना ही स्वस्थ रहें प्रसन्न रहें अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें आप सभी को मेरा नमस्कार बहुत बहुत शुभकामनाएं ईश्वर आपकी रक्षा करें बृहस्पति देव आपकी रक्षा करें बहुत बहुत धन्यवाद